लद्दाख ले प्रेस क्लब के प्रेस बंधुओं को मेरा अभिनंदन। जैसा कि 3 तारीख के पोलो ग्राउंड में जो हिस्टोरिक हमारा प्रोसेशन हुआ था, एपेक्स बॉडी और केडी के जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर और केंद्रीय सरकार के साथ हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन लेके पोलो ग्राउंड में हुआ। और जैसा कि हमने उस भाषण के दौरान हमने ऐलान किया था कि एक तो 19 तारीख को जो हाई पावर कमेटी के साथ दिल्ली में जो बातचीत का सिलसिला जारी रखा जा रहा है उसमें हमने एपेक्स बॉडी की तरफ से और केडी की तरफ से हमने उसमें शिरकत का ऐलान किया था, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी खदशा जाहिर किया था उसमें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये बातचीत का सिलसिला काफ़ी देरों से चल रहा है और जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में उसमें पहली बार एक रिकॉर्डेड मीटिंग ऑफिशियल तौर पे मीटिंग का सिलसिला हुआ और उसमें केंद्र जो हाई पावर कमेटी की तरफ से हमें ये कहा गया कि लेके एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को कि जो भी मांगे हमारी है उसको हम लिखित तौर पर उनको पेश करें। तो उसी के सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी कंसल्टेशन के बाद और जो कानून के जानकार है उनको उनसे मशवरा करके हम लोगों ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल उनको रखा था, लेकिन हमारी जब हमने ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट किया तो हमारी ये उम्मीद थी कि बहुत जल्दी हमें बातचीत के लिए दोबारा दिल्ली बोलेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, हमें आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें भी काफ़ी देरी हुई। नतीजे के तौर पर एपेक्स बॉडी और केडीए के पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि हम इसके बारे में एक प्रोटेस्ट करें। और इस प्रोटेस्ट में श्री सोना मांगचुक जी जो मशहूर इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया। तो उस मीटिंग के दौरान हम लोगों ने ये आप लोगों के सामने ये ऐलान किया था कि इस बातचीत में अगर कोई फैसला कुन नतीजा बरामद होता है जो कि लद्दाख के लोगों की मंशा के मुताबिक अगर कोई नतीजा बरामद होता है तो फिर ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो हम लोगों ने ऐलान किया था कि 19 तारीख के बाद जितना भी जल्दी हो सके 2-3 दिनों के अंदर फिर हम इसको रिज्यूम ना सिर्फ रिज्यूम करेंगे बल्कि उसको शिद्दत के साथ आगे बढ़ाने का हम एक मंसूबा बनाएंगे। और उसी के सिलसिले में हमने ये भी अनाउंस किया था कि एपेक्स बॉडी की तरफ से एक कमेटी बनेगी, श्री सिरिंग दोर्जे लाखरुख उनकी क़यादत में कमेटी बनेगी। उसी के सिलसिले में हमने कल एपेक्स बॉडी की मीटिंग की ले में और उसमें हमने फैसला किया सिरिंग दोर्जे जी की क़यादत में जो कमेटी बनना है उसमें एक तो जितने भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हमें रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे, एक्टिव पॉलिटिशियन को हमने उसमें नहीं रखा है, उसके अलावा यूथ को हमने तरजीह दी है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव उनको रखा है। और उनका ये जिम्मा हमने दिया कि जितना जल्दी हो सके चाहे उसके लिए इस कमेटी के मेंबरान को ब्लॉक लेवल पर लोगों के साथ रास्ता भी कायम करना पड़े, जो हम स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो तैयार करने के लिए जो हमने फैसला किया था उसके लिए प्रोग्राम तैयार करें। और उस सिलसिले में उनको टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक प्रोग्राम बनाए और उसमें सबसे पहला तो ये होगा जैसा हमने अनाउंस किया श्री सोना मांगचुक जी और उनके साथ साथ मैंने अमरन अनशन करने का हमने फैसला किया। तो एक तो उसके बारे में जितनी भी तैयारियाँ करनी है उसके बारे में इनको चिंता करना है और प्रोग्राम तय करना है, और साथ ही साथ
जो शुरुआती जो हमारा भूख हड़ताल का पहला दिन होगा, हम चाहते हैं कि उसमें काफ़ी बड़ा उसमें एक प्रदर्शन हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके। तो उसके लिए ये लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उसके साथ ही साथ जितना भी लोग उसमें शिरकत करना चाहें उनको भी दावत देंगे। और चूंकि हमें लगता है ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये भी महसूस किया है, हो सकता है कल हमारा अनशन की हमने घोषणा की उसमें हमारी जान जाए, तो ये सिलसिला शुरू रखना है। तो उसके लिए अगर हम में से किसी की मौत हो जाती है इस प्रदर्शन के दौरान, तो ये सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। तो उसके लिए वॉलंटियर हम अभी से भर्ती कर रहे हैं और हमारे पास खुशी की बात है बहुत सारे लोगों ने जाहिर की, इच्छा जाहिर की है कि इसको हम कभी, जब तक हमारी मांगों पे गौर नहीं होता, पूरा नहीं होता, इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो हमें पूरा यकीन है, एक तो वो भी ये करेंगे और उसके अलावा जैसे भी हमने जैसा पहले कहा था 1989 के प्रदर्शन के दौरान हमने लोगों को हमेशा साथ रखा, तो ले के तमाम गांवों सिलसिलेवार तरीके से इसमें शमूलियत करने के लिए एक दो तीन दिन जितने भी दिन के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठ सके तो हमारे साथ वो भी उसमें शिरकत करेंगे। तो इसका भी प्रोग्राम ये इनको करने की जिम्मा दी गई है। तो हमें यकीन है कि पहली बात तो हम पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 19 तारीख के बातचीत के लिए हम जाएंगे बातचीत में। अगर उसमें कोई नतीजा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है सरकार की तरफ से तो आगे के कार्रवाई के बारे में हम दोबारा विचार करेंगे, अगर नहीं होता है तो इस प्रोग्राम पर हम अमल करते हुए हम इस प्रदर्शन को आगे रखेंगे। तो आज का जो प्रेस जो हमने कॉन्फ्रेंस की है आपके साथ, तो आपके ज़रिए इसको हम सरकार की तरह ज़िला इंतज़ामिया की तरफ और ये यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की तरफ ये हम ध्यान उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए उन तक पहुँचे। सर, आपको लगता है कि पॉजिटिव एक आउटकम होगा 19 का जो मीटिंग होने वाला है, क्योंकि पार्लियामेंट का अभी जो लास्ट सेशन है वो भी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद तो पार्लियामेंट का सेशन होगा ही नहीं। पार्लियामेंट के सेशन से बातचीत का कोई सिलसिला नहीं होगा। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ये इतना जल्दी हमें इसके बारे में फैसला होना पहले भी हमारी तवक्को नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान अगर पॉजिटिव कमिटमेंट उनकी तरफ से आता है तो उसको अमली शक्ल देने के लिए और उसको फाइनल ये स्थिति तक पहुँचाने के लिए एपेक्स बॉडी के डीए की ज्वाइंट मीटिंग हाई पावर कमिटी के बाद ये सिलसिला आगे भी चलना पड़ेगा, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अभी भी सरकार के पास समय है, अगर उनकी तरफ से हो सकता है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए अगर इस तरह का कोई हमें कमिटमेंट दे सके या नहीं किसी तो लिखित तौर पर कोई कमिटमेंट हमें दे सके, तो उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नहीं तो ये सिलसिला हम समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सिलसिला है, इसीलिए हम यही कह रहे थे आपके सामने कि अगर इस अमरण अनशन के दौरान अगर हमारी जान जाती है तो इसको आगे तक ले जाने के लिए और डेफिनेटली इसको हम आगे पुरजोर तरीके से हम इस आंदोलन को चलाएंगे। सर,